अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं कॉल ब्रांड वीडियो के साथ। तो आज हम खेल रहे हैं सोलो स्क्वाड। उससे पहले मुझे पता है आपको इंतज़ार रहता है सस्ती शायरी का, तो आज की सस्ती शायरी थोड़ी सी वल्गर है, बट हम ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे लव्स, लेकिन फिर भी अर्ज़ किया है। हायो पिंडी तेरे रोले, वाह 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 वाह। हायो पिंडी तेरे रोले, मेरा दोस्त खा के मसाले वाली मूली, मारता है बम के गोले। सस्ती शायरी विद एनोनिमस। हंस लो, फिर मैं आगे बोलूँगा। हंसो, खुल के हंसो। तो आज हम जा रहे थे मिलिट्री बेस यानी मुल्तान, क्योंकि हॉट ड्रॉप था, नो वो जा सकता था, बट मुझे लग रहा था कि ज़्यादा बंदे गए जाएंगे मिलिट्री बेस, तो इसलिए मैंने फैसला किया था मिलिट्री बेस जाने का। कल वीडियो नहीं है उसके लिए, सॉरी। आपको पता है आइज़ का इशू है, तो जब मतलब मैं ज़्यादा ट्राई कर लूँ ना, गेम प्ले नहीं बनता, तो फिर मैं बस छोड़ देता हूँ कि चलो आज छुट्टी, ज़्यादा नहीं खेलनी, थोड़ा सा आंखों को रेस्ट मिलना चाहिए, तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, लाइक 4-5 स्क्वाड तो आपको ऐसे नज़र आ रहे थे। तो पहले मैं जा रहा था गाइस सी बिल्डिंग, जब मुझे लगा ना कि सी बिल्डिंग हमारी बचने वाली है बैंड, तो मैंने कर दिया प्लान अपना चेंज। और फिर मैं डिसाइड किया कि भाई मैं सी बिल्डिंग की जगह यहाँ ऑफिस पुलिस स्टेशन आया गया, पता नहीं ऑफिस है बट यहाँ पर जाऊँगा, पुलिस स्टेशन आएगा सी। हाँ, तो यहाँ पे भी एक स्क्वाड आ रहा था। और गाइज़ मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जहाँ पे एक से ज़्यादा स्क्वाड होना वहाँ पे हम लोग मीटअप नहीं कर पाएंगे यार, क्योंकि देखो या आप मुझे मार दो या मैं एनोनिमस की पब्लिक से मर जाऊँ, दुख नहीं होता, ठीक है? लेकिन हम दोनों को ही अगर एनिमीज मार देंगे तो काफ़ी गलत बात है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। बहुत सी बार ऐसे होते हैं, अगर मैं 3 नॉक कर देता हूँ ना, तो फिर जंप करने लग जाते हैं, तो फिर मैं नहीं मारता, रिवाइव हो जाते हैं, और वो फिर काम गड़बड़ हो जाता है, 2 स्क्वाड आ जाएँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा, ये सामने टीम है, इनसे मैंने फाइट लिया, सबको गन नहीं मिली होगी, जब मैंने भाई को नॉक किया, अभी बाकी लोग ना जंप करने लग जाएंगे। बॉट भैया आए थे और यहाँ मैंने बॉट भैया की गन उठानी है, तो इसलिए मैं नॉक किया, फिनिश करके इनकी गन उठाएंगे। अब बाकी जो टीममेट्स थे उनके पास गन नहीं थी, बट वो जंप करने लग गए, तो मैंने उनको नहीं मारा और मैं यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्वाड थे यार। और आपको पता है अगर मीटअप हो जाता फिर साथ ही जुड़ के रहते हैं हम लोग सब, और फिर जो है ना कन्फ्यूजन हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों ही किसी तीसरी टीम से मरें, ऐसा होता है। या आप फाइट ले लो, एक दूसरे से मरेंगे दुख नहीं होगा। यहाँ पे अरबियों ने रश किया गाइस, इन दोनों को नॉक किया, इनके किल उठाएंगे हम यहाँ पे, और किल उठाने के गाइस जम कर रहे थे, तो मैं यहाँ से निकल गया, मेरे पास एमो वगैरह नहीं थी, तो मैं भाई लोगों को ऐसे ही छोड़ा और हम पीछे आ गए। गाइस देखो, मैं वजह बताई यार, कभी भी बुरा नहीं मानना, आपको एनोनिमस है, देखो आप खुद बताओ, अगर हमने मीटअप कर लिया और बंदे हैं, आपको पता कितने ज़्यादा स्क्वाड आए हैं, अगर हम उनसे थर्ड पार्टी होकर मर गए, तो आप तो चलो दूसरी गेम लगा लोगे, बट आप खुद सोचो, अगर वो वाला गेम प्ले मेरा बन रहा हुआ, ऑलमोस्ट रेडी हुआ, और इस चक्कर में अगर गेम प्ले नहीं बना तो छुट्टी हो गई, तो फिर मेरा थोड़ा सा इशू हो जाता ना गाइस। तो आप इस चीज़ का बुरा नहीं मानना। हाँ, अगर कोई नहीं है तो हम मीटअप ज़रूर करेंगे, वरना आप ऐसे किया करो, जब आप किल फील्ड में नाम देखो ना, तो एकदम सेफ खेलो, एंड में आपको चिकन भी मेरी तरफ से गिफ्ट, और हम जो है ना मीटअप भी करेंगे, तो आप बिल्कुल सेफ खेला करो। और अगर शुरू में मिल गए तो आप फाइट ही लिया करो गाइस। अब आते हैं गेम की तरफ। यहाँ पे हम फैक्ट्री आ गए थे और मेरे पास एमो नहीं थी, तो मतलब ये देखो पिस्टल से एमो उठा उठा के गुजारा हम लोग कर रहे थे। बाबा जी, फाइनली हमें आगे जाके काफ़ी एक बॉडी से एमो मिलेगी, वरना लूट तो नहीं मिल रही थी। यहाँ पे सब लूटेड था और यहाँ पे भी फाइट हो चुकी थी, मतलब यहाँ 2 स्क्वाड तो आए होंगे, एक मर गया था, एक बच गया था। अब उन्होंने बाकी क्रेट्स तो लूटी जो मैं यहाँ चेक कर रहा था, बट एक क्रेट उन्होंने खाली छोड़ दी, और खाली मतलब आप हमेशा खाली क्रेट्स भी चेक किया करो, अगर लूट नहीं है ना, क्रेट्स पड़ी हैं ना, बेशक वो पहले की पड़ी हैं, ठीक है, उनको भी चेक करो, बहुत सी बार बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। तो फिर हमने रश किया सी बिल्डिंग में, और यहाँ पे जो है मुझे साउंड आ रहा था कि आगे की तरफ बंदा है, तो मैं ऊपर आ गया एकदम, बड़ा सुकून से खेला था गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट फिनिश होऊंगा, सोलो स्क्वाड है, मुश्किल है, और ये सर्वर है मिडिल ईस्ट, यूरोप नहीं है आज। तो फिर नीचे साउंड आ रहा था, मैं नीचे जाकर टिक नहीं लगा। अब मुझे देखो गाइस फुटप्रिंट अच्छे से लो, तो आपको पता चलता है कि बिल्कुल सामने, ये देखो गन भी ग्लिच हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने भाई को डाउन किया, भाई को फिनिश करेंगे, और अब जो है गाइस मिडिल वाली बिल्डिंग में अलग टीम है, और जो हमारी बिल्कुल राइट में बिल्डिंग है ना, उसमें अलग टीम है। तो यहाँ पे इनको मेरा साउंड आ जाता है, और ये भाई हम पे कर देंगे गोलाबारी, नेट पे नेट करेंगे ये, तो हम पीछे आ जाते हैं भग के, क्योंकि मुझे आ रहा था साउंड। बॉट भैया को मारा, बॉट भैया की लूट उठाएंगे, एक एम की एमओ और ज़्यादा मिल चुकी है हमें। अच्छा गाइस, जहाँ ज़्यादा बंदे होते हैं ना, वहाँ लूट कितनी ज़्यादा यूज़ हो जाती है, सब उठा लेते हैं ना, तो लूट नहीं मिलती। और इस भाई की मतलब बॉडी से तो हमें मिल गई फ्लेयर गन यानी पिचकारी, और वो ऊपर नेट कर रहे हैं ठाठा ढुस ढुस, कर ही जाओ भाई लूट का नो मजाक। वैन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी, हम तो लूट कर रहे हैं, आप कर ही जाओ नेट, हमारा क्या जा रहा है भाई।
तो फिर गाइस थोड़ा सा सबर कर लिया मैंने, जब कोई रश नहीं करा था ना फिर मैं फैसला किया कि भैया मुझे रश करना चाहिए। ओके ये बॉट जा रहा था तो मैंने इसको नहीं छेड़ा, भाई जाओ बॉट को मारो, मुझे आइडिया हो जाएगा कौन सी कंट्री के बंदे हैं और थोड़ी बहुत पोजीशन भी पता चल जाती है ना बॉट के जरिए। तो समटाइम जब बंदे आते हो ना बॉट की हेल्प लिया करो। तो गाइस यहाँ पे मैं नेट शुरू किया बट वो लोग साउंड ले रहे थे और मुझे नहीं पता लगने दे रहे थे कि मतलब उन्होंने नेट से बच गए, उनको शायद नेट का साउंड आ रहा था ना तो वो नेट से बच रहे थे साउंड लेके और मुझे नहीं पता लगने दे रहे थे कि वो एग्जैक्ट हैं कहाँ पे। तो फिर जब एक नेट मैंने ओके लेकिन मेरे पास यहाँ पे मुझे लगा एक नेट बचा हुआ, तीन देख लो आपका अनोनिमस पाँच नेट लेके घूम रहा था। अब मुझे साउंड आता है कि वो बंदा सामने नीचे आ गया तो मैं एक नेट कुक करके नीचे की साइड पर फेंकूँगा। तो आज एक नेट यहाँ पर मैंने फेंका और ब्लास्ट होता है और वो बंदा अंदर की साइड भागता है। तो दूसरा नेट निकाला मैं, मेरा था कि विंडो में फेंक दूं बट वो आया नहीं तो हमने आगे की तरफ कर दिया रश। गाइस ने फौरन से मॉली कर दी क्योंकि नेट का डैमेज उसको पड़ा था ना, वो चाहता था कि मैं रश ना करूं तो इसलिए उसने मॉली कर दी। और यहाँ पे मैं ऊपर साउंड लेके नेट कर रहा था, फुटप्रिंट तो यहीं से आ रहे थे बट उसको डैमेज होगा शायद से या नहीं पता नहीं। फिर वो अचानक सामने आता है, यहाँ पे मैंने भाई को डाउन किया और ये हो गए फिनिश डायरेक्ट। और उसके बाद गाइस अब राइट वाली बिल्डिंग में दो बंदे बचे हुए हैं, काफ़ी इंटेंस हो गई थी और काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पे फाइट में क्योंकि आप देख सकते हो 6 किल थे मेरे लेकिन 35 अलाइव रह गए थे क्योंकि पहले हम साइड पर उतरे फिर वहाँ से फैक्ट्री वाली साइड लूट करके फिर यहाँ पर आए तो काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर मैं यहाँ पर लूट की क्योंकि बाबा जी लूट करना मजाक, शुक्र है मैं M4 मिल गई। गैस ऊपर से साउंड आ रहा था तो यहाँ पर मैंने ऊपर रश करने का लाइक सोचा और यहाँ पर दो दो बंदे ऊपर बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक भाई को डाउन किया और दूसरे भाई पीछे टीपी पे ले रहे थे तो उन पर करेंगे रश। तो बाबा जी यहाँ पे हमने फाइनली आपका मुल्तान, हमारा मुल्तान, पाकिस्तान का मुल्तान, सबकी जान, मिलिट्री बेस हमने क्लियर किया और फिर करेंगे लूट। गाइस पता है हम लोग क्या करते हैं कि सिटीज़ की भी फाइट देखी मैंने फेसबुक पे टिकटॉक पे, तो यार नहीं किया करो बस एज अ पाकिस्तानी हर सिटी को लाइक करो, हर सिटी को सपोर्ट करो PSL में भी, लेकिन आप फेवरेट हो सकती है सबकी बट किसी को बुरा मत बोलो, बेशक वो मतलब सिटीज़ होंगी PSL की या वैसे ही आप वीडियोस वगैरह जो ऐसी होती है ना जो हेट फैला रही होती है उन वीडियो को लाइक ही नहीं किया करो यार। सारे सिटीज़ हमारे हैं पाकिस्तान के हैं तो बस फिर किसी को नफरत नहीं करनी। आगे थे गाइस ब्रिज पे, मैं आया था नो वाली साइड से क्योंकि यहाँ पे जोन ज़्यादा था और ये भाई आगे की तरफ भाग रहे हैं तो हमने अपनी गधा गाड़ी लगा ली इनके पीछे। और मुझे पता नहीं था गाइस बंदे कितने हैं तो मैं ज़्यादा ना इसके लाइक इसको ज़्यादा क्लोज नहीं जा रहा था इसके और मैं बिल्कुल साइड साइड से ध्यान से जा रहा था। अब ये बंदा आगे की साइड ना रुक जाएगा तो मतलब वहाँ पे मुझे रुक के फाइट लेना पड़ेगा। अब ये रुके थे लेफ्ट साइड पे तो मुझे रुकना था राइट साइड पे क्योंकि मुझे देखना है पहले ये बंदे कितने हैं, तो इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली राइट साइड पे। अब मुझे लग रहा था पूरा का पूरा स्क्वाड इन्होंने मेरी गाड़ी देख ली और इस साइड में रुक गए कि आएंगे तो स्प्रे देंगे, ऐसा इनका प्लान। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होगा, मैं M4 से मारूंगा उसको गोलियां। मे बी एक भी गोली नहीं लगी तो हम नीचे की साइड पे, मेरा आइडिया था कि मैं क्लोज चला जाऊँ लेफ्ट से क्योंकि मुझे पता था कि चार तो नहीं है, तीन भी नहीं लगे, मुझे लग रहा था कि हाँ एक या दो बंदे हैं, कोई तीन चार तो नज़र नहीं आए तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा क्लोज आ जाता हूँ। गाइस क्लोज में हमेशा 7 की एमो यूज़ करो, मतलब जो 7 वाली गन है वो यूज़ करो। अगर स्पेस का आपका इशू हो जाता है तो फिर उजी उठा लिया करो, वो बहुत पावरफुल है, डैमेज उसका ज़्यादा है और बहुत फायरिंग रेट उसका बहुत तेज़ है, फायरिंग स्पीड, तो आप ना क्लोज में वो यूज़ कर लिया करो, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती उजी। तो यहाँ पे हमें भाई TPP लेके नज़र आए, अब इनको तो आइडिया भी नहीं था कि मैं इतना क्लोज हूँ तो ये TPP ले रहे थे, यहाँ पे मैंने डाउन किया इनको और अब हमें ना इनको करेंगे फिनिश, फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे गाइस मुझे आता है साउंड दूसरी गाड़ी का, एक मॉली थी मैंने ऐसे मॉली फेंक दी जो कि वो दीवार पर लग के नीचे गिर जाएगी बट मुझे आ जाता है साउंड गाड़ी आ रही है लेफ्ट से। यहाँ पे गाइस मैं इनका एक बंदा गिरा देता हूँ और दूसरा बंदा तो रुकता ही नहीं है, उसने तो ऐसी गाड़ी भगाई ना, रुकने का नाम ही नहीं लिया बाबा जी, ऐसे उसकी ज़िंदगी खतरे में आई वो यहाँ से भग लिया। तो मैं एक बार चेक कर रहा था क्योंकि गाइस ऐसा होता है हर बार के एक ना कैंपर निकल के मार देता है, तो मैं एक बार चेक कर रहा था कि कोई है तो नहीं, तो क्रेट से लूट उठाएंगे क्योंकि बाबा जी लूट करना मजाक। और आपने सही गैस किया, मुझे आ रही है नींद, एडिटिंग में नींद आ जाती है मुझे। तो गाइस एक बार बैक साइड मैंने देखी, जब कोई नहीं था तो मैं मतलब फिर मैं डिसाइड किया कि मुझे गाड़ी देखना है, यहाँ से निकलना ही चाहिए, एक बार पीछे आके देख लेंगे।
क्योंकि भाई हमने रिस्क नहीं लेना, कोई कैंपर आके साइड से मार देना सारी वीडियो की बैंड बच जाएगी। ड्रॉप देख लिया था गाइस मैंने, लेफ्ट सॉरी राइट पे ड्रॉप हो रहा था वो देखो सामने, तो ड्रॉप पे बंदे आ सकते थे, तो फिर मैं यहाँ से निकलने का फैसला किया कि भाई हमें यहाँ से निकलना चाहिए, गाड़ी उठाएंगे अपनी और यहाँ से निकलेंगे सीधा ड्रॉप की तरफ। और अब अभी गौर से देखोगे तो सामने आपको ना गाड़ी या पता नहीं बगी थी वो रेंडर भी होगी ड्रॉप पे जाती हुई, सामने देखना रोड वाली साइड पे आपको कुछ नज़र आएगा, मुझे आया था उस टाइम पे आई गेस। गई क्या पता नहीं, शायद गुजर गई है, क्या इशू है, बट मैं हाँ देखी थी तब। तो मैं आ जाता हूँ ड्रॉप पे एकदम ऊपर से, जैसे वो रुके होंगे मारूंगा और यहाँ पे पूरा का पूरा आएगा स्क्वाड था ये। तो गाइस ये लोग ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ऊपर अलग ही सांप लेटे हुए थे, मैंने अपना किल सिक्योर किया और ऊपर जाके इनकी अलग से हो जाएगी फाइट, लेकिन हम जैसे पहले लूट करते हैं। 8x मिल गया था और ग्रोजा थी, तो मैंने यहाँ पे AKM की जगह ग्रोजा उठा ली जो मुझे उठानी भी चाहिए थी, और इतने में उनकी फाइट होती थी तो मैं बोला लड़ते रहो मज़े से। उसके बाद जब हमने यहाँ पे बूस्ट वगैरह मार लिया, फिर मुझे एक बंदा नज़र आएगा तो मैं M4 से स्प्रे करके डाउन करने की ट्राई करूँगा। फिलहाल तो कोई नहीं आता गाइस, मैं थोड़ा सा लेफ्ट जाता हूँ, यहाँ पे मुझे आ जाएगा कि यहाँ मैंने एकदम क्राउच करके और पीक लेके स्प्रे दिया। क्राउच करने से गाइस रिकॉइल कम हो जाता है और लेट के मारने से और ज़्यादा कम हो जाता है, तो अब या क्राउच करके मारा करो, अगर एंगल मिल रहा है तो लेट के मारो। अब ये बेचारा लो था क्योंकि उन्होंने पहले से फाइट ली थी तो मुझे किल मिल गया, और मुझे लगा ये एनिमी है बट ये हमारे भाई थे। तो बाबा जी फिर हमने इनको साथ ही बिठा लिया कि भाई आ जाओ हमारे साथ खेलो, इंशाल्लाह का चिकन हुआ तो आपको चिकन खिलाएंगे। और यहाँ पे होती है लेफ्ट पे फायरिंग, और गैस यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि एक बंदा ग्लिच करके बैठा हुआ बस के अंदर, और ये बिल्कुल सियासत कर रहे थे मुझे लाने की ग्लिच से मारने की, बट यहाँ पे मैं बच गया। मैं भाई को बोला भाई मुझे ना मार देना, थोड़ा सा ध्यान रखना, तो कहते भाई ओके मैं नहीं मारूँगा, और फिर मैं फाइट लेने लग गया यहाँ पे। ये बंदा गैस बहुत लो होगा, बहुत कम बचा होगा, इन्होंने अरबियों ने इनको मारा किल फील में, आप देख सकते हो ना मारा, उसके पास भी मेरे वाली M4 है तो उसने पाकिस्तानी भाई को डाउन किया था। यहाँ पे मैं दूसरा बंदा डाउन किया, मुझे किल मिल गया, और गैस ये बसों के पास एक बंदा ग्लिच करके बस के अंदर बैठा है और मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मैं पहले यहाँ पर आया, बट अच्छी बात है मैं वापस हो जाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगा था। अच्छा मुझे पता नहीं था गैस इस टाइम तक कि ग्लिच करके बंदा बैठा हुआ है, बट थोड़ा सा डर लग रहा था वहाँ जाते हुए, ये कैंप कर रहा है, मुझे था कैंप कर रहा है। अब देखो ये सारे वहाँ गए, ये चाहते थे मैं वहाँ जाऊँ और जो ग्लिच करके बैठा वो मार दे, तो मैंने एक नेट फेंका पहले और फिर ये मैंने जा रहा था तो इन्होंने मुझे डैमेज दिया और मैं भाग जाता हूँ ऊपर वाले घर में हील करने के लिए। यहाँ से नीचे आया, अब छत पे स्मोक था तो स्कोप ओपन गया, तो स्मोक ग्लिच हुआ और फिर मैंने रश करके हेड लगा था तो इसको फिनिश किया। ये वही बंदा जिसके पास M4 थी अपग्रेडेड और इसका प्लेन भी था गाइस। अब एक बंदा गाइस सामने आ चुका और एक बंदा भी ग्लिच करके बैठा हुआ नीचे की साइड पे, तो मैं यहाँ पे स्प्रे कर रहा था और फिर थोड़ी देर बाद मुझे आइडिया आया कि मैं पीछे एंगल लेके इसको मार सकता हूँ। अब यहाँ तक तो गाइस हमने स्प्रे दिया और गाड़ी का डैमेज था, तो मैं मतलब वहाँ नहीं गाड़ी के पास रुक सकता था, डैमेज गाड़ी है, यहाँ से मुझे एंगल मिल जाता है और मैं एंगल लेके भाई को किया डाउन। ये पता नहीं अरबी में ये भी कुछ बोल रहा होगा। अब इनका आखिरी बंदा बचा था और अभी भी मुझे आइडिया नहीं था कि वो अंदर ग्लिच करके बैठा है। यहाँ मुझे थोड़ा सा शक होने लग गया था गाइस गेम में, अभी तो वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मुझे अच्छे से पता है कि वो ग्लिच किया हुआ था, बट जब मैं गेम में था ना मुझे यहाँ पे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये आ नहीं रहा था अपने टीममेट को बचाने के लिए, तो यहाँ मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। गैस तो मैं फिनिश किया और यहाँ पे मुझे आइडिया हो चुका था कि कुछ गड़बड़ है, और मज़े की बात अभी मैं एडिट कर रहा हूँ, गली में कोई बच्चा शोर करता जा रहा था पिंडी वे, मैं क्या सही है भाई लगे हो, मतलब बच्चे भी पिंडी अपने शहर के फ़ैन हुए बैठे हैं। गैस मैं नेट निकाला बट नेट था नहीं, तो अब मुझे था कि मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करके देखता हूँ कि शायद से ही कैंप कर रहा हो अंदर ना हो, लाइक वहीं पर कैंप कर रहा हो, मैं कन्फर्म करने के लिए यहाँ पर आया, बट अभी भी वो बंदा स्टिल। और गैस दुख की बात ये थी कि इन अरबियों ने ना हमारे उस पाकिस्तानी भाई को मार दिया था, तो यहाँ पर बस मुझे शक हो गया था कि बंदा जो है ना लाइक बस के अंदर ही बैठा है।
तो मैं फ़ौरन से भग लिया साइड पे, और ये देखो वहाँ से मारा बस के अंदर से। तो मैं फ़ौरन से साइड पे भागा, और मज़े की बात गए जोन यहाँ से चला जाएगा, तो मुझे था बस मैं यहाँ से निकलता हूँ, इसकी लूट करनी थी, नेट वगैरह उठाने थे, बट नेट यहाँ भी नहीं मिले। लूट करने के बाद गए जली हुई गाड़ी लेते हैं और अपनी गाड़ी उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये बंदा जो है ना ये मरेगा जोन से। अब मे भी बस से बाहर निकलना इसको नहीं आता या ऐसा कुछ, बट मैं छोड़ दिया इसको कि भाई तू जोन से बाहर है, ये देखो जोन बन गया था। तो मैंने कहा भाई तू जोन से बाहर है तो बैठा रहे, हम तो जा रहे हैं। थोड़ा सा रिस्क लगा गाड़ी यहाँ तक लाना कि डैमेज ना दे दे, और फिर अपनी गाड़ी उठाई सही वाली और यहाँ से निकलेंगे। गाइस बंदे जो थे ना 1v3 बचा था। ओके एक मिनट, ये हुआ क्या, एक मिनट रुकना गाइस। ओके जब मैं अभी मैं रोक के देखा कि जब मैं जा रहा था ना गाड़ी लेके, वो समझ गया कि बंदा जा रहा है, उससे बाहर निकला नहीं जा रहा था, तो उसने खुद को मौली कर ली। और अब बचे थे 1v3, मैं थोड़ा सा बैक करके ना अपनी एडिटिंग देखी, 1v3 रह गया था गाइस। अभी मुझे नहीं पता था यहाँ पे बंदे हैं, मैं इस घर में आता हूँ, यहाँ से चेक कर रहा था कि भाई थोड़ा सा देख लूँ स्काउट करके। दो दो फ्लेयर हैं गाइस मेरे पास और मुझे मौका नहीं मिला चलाने का। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखो दो दो फ्लेयर, ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा है कि मेरे पास फ्लेयर होती है और मैं चला नहीं पाता। ये बड़ी बुरी बात है, फ्लेयर ज़ाया कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए सॉरी भाई। अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ ना, मुझे साउंड आया था कि 3 स्टोरी में बंदे हैं, तो मैं गन निकालता हूँ, एम ऊपर करता हूँ, नेड नहीं थे तो मैंने कहा भाई स्मोक से काम चलाना पड़ेगा, स्मोक कर देता हूँ। ये आई गेस तीनों के तीनों पाकिस्तानी हैं, और ये बड़ा फील्डिंग लगा के बैठे होंगे, जैसे ऊपर आएगा इसकी बैंड बजा देंगे हम तीन या अकेला। तो मैंने यहाँ पर स्मोक करना शुरू कर दिया हर साइड पर हर एंगल में, ये यहाँ पर भी स्मोक कर दिया सीढ़ियों पर, ऊपर भी एक स्मोक कर दूंगा, जितने मेरे पास स्मोक थे मैंने सारे फेंक दिए। और तीन तीन का साउंड आने तो मेरी जान निकल गई गाइस के तीन बंदे ऊपर कैंप कर रहे हैं। तो बाबा जी कुछ ऐसे यहाँ पे हमें मिलता है विनर विनर चिकन डिनर। और गाइस ये देखो डैमेज हमारा ऑलमोस्ट 3000 का था। तो वीडियो कैसे लगी गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके ज़रूर बताना। और हमने कंप्लीट कर लिए हैं 500K टिकटॉक पे फॉलोवर्स, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। अब इंस्टाग्राम पे भी गाइस 100K करवा दो यार जल्दी से, एनोनिमस की पब्लिक, आप कुछ भी कर सकते हो। सबके सब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप सर्च कर सकते हो @ लिखना इंस्टाग्राम पे, और दी एनोनिमस एक्स और डी जोड़ के लिखना, मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा, फॉलो कर देना गाइज। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना। लव यू एनोनिमस पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।